मतलब भाड़ों की तरह सब चिल्ला रहा चुकर रहा है, मतलब फजूल फजूल का। देखो गाली मत दो, मुद्दा तो असली ये है कि द्वेष रखना सबसे बड़ी चीज है। आप जो कहते हैं हम सम्मान करते हैं, तो आपका अधिकार होना चाहिए। लंठू की पार्टी है, मोदी योगी दोनों लोग से खुश है, दोनों लोग। हाँ, ईमानदार सरकार, दमदार सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार, योगी सरकार। सीटें घटेंगी या फिर ज्यादा आएंगी? ये सीटें तो मान कर 350 हो जा रही है। सर ने कहा है कि जो परिवारवाद है, समाजवादी पार्टी की बात की उन्होंने, बिहार के लालू प्रसाद यादव की बात की, इन लोगों में परिवारवाद नहीं। जिसके परिवार है वो क्या परिवारवाद करेगा? और बताइए भाजपा, जो भाजपा के नेता किसके परिवार के लड़के नहीं है? राजनाथ सिंह के लड़के नहीं है, किसके लड़के नहीं है? आप किसी और को बताइए, किसी का नाम लीजिए, उनका लड़का नहीं है, है? उनके लड़के हैं। और जिसका परिवार नहीं रहेगा उसका परिवार बात करेगा? अब इनका रोना स्टार्ट हो गया कि अगर बेईमानी नहीं होगी तो सरकार बेईमानी। आज हमारी जनता जो है सरकारों का इतना कद्र करती है, इसलिए इनके गुनाहों को माफ करती है जब तक ये सत्ता में रहते हैं। क्या ऐसा कोई निष्पक्ष है पार्टी में? कितने जो हैं जिनके ऊपर कितनी तड़ी पार है, का है, कैसे हैं? आज वो मंत्री बन बैठे हैं, लेकिन जनता इज्जत करके जो है नहीं कहती है। चुनाव आयुक्त जो इनके प्रमुख सचिव होते थे, वही आज चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। इतना ये करें फेवर करें, देखिए जहाँ सपा दूसरे पार्टी के लोग कर रहे हैं कुछ, एफ आई आर हो रहा है, और जहाँ इनके लोग मार पीट रहे हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा है। सत्य प्रकाश सिंह। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले? बनारस के। क्या लग रहा है सर, यूपी इलेक्शन में इस बार क्या माहौल रहेगा? बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। इसका मतलब? अरे मतलब देख नहीं कितना विकास तो खुदा है, बाहर से देखूंगे लाइट है, नहीं तो 4 घंटे में कटौती हो जाती थी। यही डकैती होती थी, कचहरी पे सर्किट हाउस के बाद डकैती होती थी। अच्छा, सब छिनैती करते थे इसी जगह, चोर चमार चंडाल इसी जगह करते थे सब। अब देखे लाइट आ गई ना, बोले लाइट आ गई, लोग इंतजार करते थे पहले कि लेटिया कब आई भैया। लेटिया आ गई अब। यही है बनारस, बम्बा बोला है। खुश हैं लोग? एकदम 100% मोदी का क्षेत्र, मोदी जी की वजह से खुश हैं या योगी जी की? मोदी योगी दोनों लोग से खुश हैं, दोनों लोग। हाँ, ईमानदार सरकार, दमदार सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार, योगी सरकार। सीटें घटेंगी या फिर ज्यादा आएंगी? ये सीटें तो मान कर 350 हो जा रही है। 350? आप तो ज्यादा बता रहे हो। हम बता रहे ना, उस समय तो शाह जी बोले थे 275 पाएगी ना, 317 पा गई। अच्छा, इस बार 350 पाएगी। अच्छा, कोई टक्करा नहीं है। अच्छा, ये जो सर ने मुद्दे गिनाए, नाराजगी है किसानों, कोई नाराजगी नहीं है। कौन सा किसान बताए? सम्मान, किसी सम्मान निधि जा रहा था, कभी किसी ने दिया था किसानों को? अच्छा, कि आप ही बताइए, कभी किसानों को सम्मान निधि का पैसा जाता था? आज गरीबों को शौचालय मिल रहा है, गरीबों को मकान मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को पैसा मिल रहा है। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से जो, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन से ठीक समस्या नहीं हल हो पाएगी, ठीक है? इसके पहले क्यों नहीं दिए? वो राशन कहाँ चला जाता था पहले? और कह रहे हो पिछली सरकारों में? अरे वो राशन, अच्छा वो राशन था तो राशन कहाँ चला जाता था? आप ही बताइए, वो राशन कहाँ चला जाता था? तो राशन का हिसाब किताब तो होना चाहिए। तो पहले सरकार जब नहीं देते तो राशन कहाँ चला जाता था? वो बांग्लादेश चला जाता था, पाकिस्तान में। तो आप ये कहना चाह रहे हो भ्रष्टाचार था पहले? ये एकदम 100% मोदी योगी सन्यासी, आदमी एक सन्यासी है, एक कर्मयोगी है, ये दोनों लोग को मतलब क्या चाहिए बताइए? इस बार महंगाई भी तो चरम स्तर पे पहुंची, गैस, पेट्रोल, की किस सरकार में महंगाई नहीं थी आप बताइए? किस सरकार में नहीं थी? उनके बाद चादू की छड़ी है, ये महंगाई कम कर देंगे? सर ये भाजपा वाले ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी तो सिलेंडर लेके ये सर बहुत, वो सिलेंडर बढ़ता था, लेकिन जो रेशियो देखेंगे आप, अगर उसका कैलकुलेटर निकाल के आप देखेंगे, महंगाई किसी की भी सरकार बन जाएगी, हिंदुस्तान महंगाई के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान अब वोट देगा विकास के नाम पे वोट देगा। हमको सुरक्षा चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, इसी रोड पे डकैती होती थी, इसी रोड पे डकैती होती थी। महिलाएं सुरक्षित है, आज रात को घूम रही है। आज योगी मोदी का देन है, लाइट घर पे 6-7 में चली जाती थी, आज लाइट मिल रही है, 24 जगमग कर रहा है काशी। आप भी मतलब आए हैं बाहर से, कहीं भी आए होंगे, बनारस में आए होंगे, जगमग कर रहा है। हाँ, तो आपको लग रहा होगी वापसी है ना पूरी? 100 का मारे 200%। ठीक है सर, क्या कहना चाह रही दादी आप, क्या कहना चाह रही हो?
कहते आके कुछ ज्यादा गरीब रहने वाली हमें कना ना सुना ला ये सुना ला तो भैया देखा कहा था भैया बोल सुनाई नहीं दे रहा हाँ। बताई भैया अच्छा क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका पूजा वोट डालते हो आप हाँ नहीं वोट डालते हो दादी उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है सुनने में प्रॉब्लम है आपको क्या लग रहा है दादा की बात से सहमत हैं आप देखिए यहाँ मतलब भाड़ों की तरह सब चिल्ला रहा चुकर रहा है मतलब दे फजूल फजूल का देखो गाली मत दो मुद्दा 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 तो असली ये है कि द्वेष रखना सबसे बड़ी चीज है आप जो कहते हैं हम सम्मान करते हैं तो आपका अधिकार होना चाहिए लंठों की पार्टी है ये लंठे वाली पार्टी है रोज होली का माहौल है सम्मान से देखे इनकी पार्टी जो है लंठों की पार्टी है आज जेल में सजा काटे है ना आज कोई पूछने वाला नहीं है क्या स्थिति हो गई बताइए आप लालू प्रसाद यादव की जो जननायक थे बिहार के मतलब के बहुत बड़े मतलब के नायक थे आज वो आदमी विलेन हो गया वहाँ का अच्छा। क्यों हो गया नाराज नहीं है उन्होंने अपना कर्म के मतलब की कर्म वाला उन्हीं के परिवार का आज के डेट में लिख लीजिए अखिलेश यादव तो 100% नहीं आने वाले हैं अब उनकी लड़के चीफ मिनिस्टर के दावेदार बनेंगे उनका ही परिवार आएगा बिहार की बात कह रहे हैं पूरा बिहार यूपी की बात कर रहे हैं ये परिवारवादी घोरवादी है अगर उनके घर में ही चीफ मिनिस्टर पैदा होगा यादव के घर का लड़का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएगा हाँ कोई यादव घर का अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं बन पाएगा लालू यादव घर का लड़का चीफ मिनिस्टर बन सकता है अखिलेश यादव का लड़का चीफ मिनिस्टर बन सकता है और उनके परिवार के अलावा किसी यादव का परिवार जाते क्या बनेगा लठियाए जाएंगे बस रोड पर हाँ परिवार परिवारवाद हिंदुस्तान नहीं चाहता है केवल जो है मठबाजी चाहता है मतलब ब्रह्मचारी संस्था खाली रहेगी कि यहाँ परिवार भी रहेगा अरे जब परिवार नहीं रहेगा तो ब्रह्मचारी कहाँ से आएगा ये भाई साहब को समझाइए किसान हमारे नहीं होंगे तो कहाँ से अन्न आएगा और ये जो है सबको ताक पर रख दे रहे हैं तो ये ट्रेलर वाले हैं ये का जाने मर्म इनको तो वीआईपी गाड़ी है वीआईपी भाड़ा है क्या लोकल को बैठा लेंगे का आज आपके सामने अभी माता अंधी एक मिली है एक मिली ये देखे हैं आप इनका कौन हेल्प कर रहा है सरकार है ना कहना चाह रहे हैं सर क्या कहना चाह रहे हैं साइफाई में होता होता था मतलब रंगरेलिया मनाया जाता था साइफाई में दंगा हो रहा था मुजफ्फरनगर में और साइफाई में दंगा मतलब कि मुजफ्फरनगर में दंगा साइफाई में डांस हो रहा था और डांस मतलब बॉलीवुड की पूरी डांसर आई थी अखिलेश दंगा हो रहा है उन्होंने प्रशासन पूछा सर क्या किए तो कहे होने दो दंगा मर जाए हाँ लेकिन आज का प्रशासन आज 5 साल की सरकार हो गई ये 5 साल की सरकार में न कोई दंगा न कोई फसाद हाँ न कोई समस्या न कोई समाधान आज के डेट में बनारस बम बम काशी है बम बम भोले है एक कॉरिडोर की स्थिति थी बनारस में जाइए आप थोड़ा सा अब बनारस में सब कुछ जो गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो गया सर कह रहे हैं सर गुंडागर्दी कहिया बनारस में रहा कभी नहीं गुंडागर्दी रहा बनारस में कभी रहा नहीं किया काशी है हर कंकड़ में शंकर है अच्छा सब भोलेनाथ का पुजारी है अच्छा तो सर की बात से सहमत नहीं आप नहीं हम कहते गुंडागर्दी रहा नहीं किया तो कहाँ से रहे हैं अच्छा। कौन गुंडा है बनारस में कौन गुंडा है अच्छा तो कोई गुंडा नहीं है उन्होंने आरोप लगाया है कि दो आरोप लगाए कोई गुंडा नहीं वो दूसरा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर ने कहा है कि जो परिवारवाद है समाजवादी पार्टी की बात की उन्होंने बिहार के लालू प्रसाद यादव की बात की इन लोगों किसमें परिवारवाद नहीं जिसके परिवार है वो का परिवार बात करेगा और बताइए भाजपा जो भाजपा के नेता किसके परिवार के लड़के नहीं है राजनाथ सिंह के लड़के नहीं है किसके लड़के नहीं है आप किसी और को बताइए किसी का नाम लीजिए उनका लड़का नहीं है उनके लड़के हैं और जिसका परिवार नहीं रहेगा उसका परिवार बात करेगा आपका जवाब दे रहे हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं अभी बोल रहे हैं कि राजनाथ के लड़के हैं राजनाथ के लड़के विधायक बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं हाँ मुलायम का लड़का चीफ मिनिस्टर बन सकता है अखिलेश का लड़का चीफ मिनिस्टर बन सकता कोई यादव का लड़का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है आप ये कहना हाँ उस घर के खानदान के ही लड़के बन सकते हैं आज के डेट में लिख लीजिए अखिलेश यादव तो गए हाँ ये तो 100% है अखिलेश यादव तो गए एकदम नहीं गए एकदम नहीं गए भवकाल से नहीं चलेगा
राजनाथ सिंह के लड़का क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? समय आएगा तो उनका भी रहेगा, अगर समय आएगा तो वो भी बन जाएंगे, उनके में क्या खराबी है? क्यों नहीं बन सकते हैं? जिसको जनता चाहेगी उसको बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार वालों को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है। नहीं नहीं, गलत बात है, परिवार को इतना छाड़ दिए हैं। उनके परिवार में देखिए थे, वो अनपढ़ा यादव गई, उसको तजर्बा नहीं दिए। शिवपाल जो मनमानित टिकट बांट रहे थे, एक सीट पर लड़ाए शिवपाल को, क्यों वहां से पैसे लड़ाए हैं? हाँ, उसके बाद कोई अकेले से परिवार सबको हटा दिए, परिवारवाद में कोई नहीं है इनके, मतलब पूरा कहा नहीं परिवारवाद है, बताइए। भाजपा में है बिल्कुल है, गिनाइए कौन सा परिवार। अरे बताइए, हम तो भाजपा के नेता का नाम, कौन नहीं है परिवार में? कल्याण सिंह का लड़का नहीं है? कल्याण सिंह का लड़का नहीं है? जो गठबंधन किया है अनुप्रिया पटेल का आदमी नहीं है? जो जिसके पास सबको लेकर चल रहा है, नितिन गडकरी का लड़का नहीं है? ठीक है सर, उन्होंने भी कई सारे नाम गिना दिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर वाली बात आप पूछे हैं ना, चीफ मिनिस्टर उन्हीं के परिवार से आएगा। अच्छा। अदर कोई मतलब बिरादरी से, मतलब यादव के घर से नहीं आएगा। अच्छा। उनके सैफई के परिवार से आएगा। अच्छा, अच्छा। सैफई में अखिलेश हैं, मुलायम है, सब अखिलेश है। इन्होंने बोला कि अभी एक सीट मतलब कि शिवपाल को दिए, वो बेचारा क्या करेगा? हाँ, वो तो मतलब कि कहीं का नहीं हुआ, नहीं इधर का हुआ ना उधर का हुआ। पहले तो अमित शाह भी शिवपाल पर आरोप लगाते थे, अब चूंकि ये कहते थे कि शिवपाल जी ने कई सारी जो भर्तियों को लेकर कई सारी ऐसे आरोप, वो तो खुलेआम था, पूरा हल्ला है। अब उनके लिए इतना प्यार नहीं, प्यार हम नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारा हत्या बन गया। वो तो मुलायम सिंह के दाहिने हाथ था वो आदमी, अगर समाजवादी को अगर कहा जाए मुलायम सिंह के बाद अगर कोई वारिस था उस परिवार के अंदर, शिवपाल थे। इसलिए कि गरीबी से लेके, लेकिन शिवपाल जी ने तो कह दिया कि मैंने अपना नेता अखिलेश को मान, तो मान ली उनके रैली भी कर रहे हैं आपके वाराणसी में भी, वाराणसी में रैली किए। हाँ। सब किए। हाँ। आज भी अब मतलब कि शिवपाल मतलब अखिलेश के साथ है। हाँ। लेकिन अंदर से जो है स्थिति वो डामल डोल है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे शिवपाल जी की, ये किस विषय पर आप पूछना चाहते हैं? आपने कहा बाहर से, क्या बताया बाहर से, आप भी सपा वाले? हाँ, जिस तरह बताए हैं इनकी भी मजबूरी है कि भाजपा करेंगे लेकिन वोट सपा पर देंगे। अच्छा, मतलब इनके बातों से लगा। नहीं नहीं, वो तो अच्छा, इनके बातों से लगा, मताधिकार का प्रयोग इनके कहना चाह रहे हैं। शिवपाल वो कह रहे हैं, शिवपाल इतना बदनाम, इतना बड़ा प्रदेश था उत्तर प्रदेश, जो मुख्यमंत्री का शिवपाल जी सगा चाचा होकर माइक छीन रहे हैं स्टेट पर, उन्हीं के वजह से बनना, उन्हीं के वजह से पार्टी हारी, नहीं पार्टी नहीं हारती, उन्हीं के बिखराव से हारा। अच्छा, अच्छा। आज उन्होंने जान गए कौन है, तो अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं। हाँ। अखिलेश जी कोई यादव से यादव बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। सारे जात को लेके कभी नहीं हुआ सपा में। हाँ। सपा में यादव बात नहीं हुआ, यादव को बताइए किसी यादव का एक काम हुआ है, किसी यादव को बता दीजिए, बताइए सर। इन्होंने बोला कि मतलब कि यादव बात नहीं हुआ है, शिवपाल सिंह गलत थे, अखिलेश बढ़िया है। इन्होंने पूरा गठबंधन कर लिया है, पहले बसपा से गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन किया 2017 के चुनाव के पहले, बसपा 19 में किया, फिर 22 में मतलब क्षेत्रीय पार्टी हुआ, अब इनकी आखिरी चुनाव है। अच्छा, उसके बाद इनका कोई विकल्प मतलब कि कोई रास्ता नहीं है, अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर आप ही बताइए, पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2019 में बसपा के साथ गया, 2022 में इन्होंने क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन किया, अब इनका रास्ता बंद हो चुका है, अब कोई रास्ता इनके पास लास्ट कोई रास्ता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पहले इनसे गठबंधन किए थे, और पार्टी जब इनके टूट गए तो ओम प्रकाश बहुत गलत हो गए, और जब बनाए सरकार तब तो बहुत अच्छे ओम प्रकाश थे। आज अखिलेश का विकल्प अखिलेश का हो गया, इनके पास अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो सरकार बदल रही, अगर सत्ता के दुरुपयोग नहीं किए तो सरकार सोरहवाना बदल रही है। पूरा जनता महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, हॉस्पिटल से। इन्होंने अभी बोला कि सरकार बदल रही अगर बेईमानी नहीं किए। ईवीएम कोरोना शुरू हो गया, सातवें फेज का चुनाव होने जा रहा है महानगरी में, मतलब बाबा विश्वास की नगरी है, मतलब विश्व की नगरी मान के चलिए बोला जाता है। इन्होंने बोला ईवीएम में गड़बड़ी, अभी चुनाव मतलब अपने आपको छोड़ चुके हैं, अभी बोले देखिए हाँ दुरुपयोग, हाँ तो सत्ता का चुनाव आचार संहिता लग चुका है, अब तो चुनाव आचार संहिता मतलब चुनाव आयोग का चुनाव करा रहा है मोदी योगी, मतलब कि चुनाव आयोग के हिसाब से चलेंगे ना। अब इनका रोना स्टार्ट हो गया कि अगर बेईमानी नहीं होगी तो सरकार बेईमानी, आज हमारी जनता जो है सरकारों का इतना कद्र करती है,
इसलिए इनके गुनाहों को माफ करती है जब तक ये सत्ता में रहते हैं। क्या ऐसा कोई निष्पक्ष है पार्टी में? कितने जो हैं जिनके ऊपर कितनी तड़ी पार है, का है, कैसे हैं? आज वो मंत्री बन बैठे हैं, लेकिन जनता इज्जत करके जो है नहीं कहती है। चुनाव आयुक्त जो इनके प्रमुख सचिव होते थे वही आज चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। इतना ये करें फेवर करें, देखिए जहाँ सपा दूसरे पार्टी के लोग कर रहे हैं कुछ एफ आई आर हो रहा है, और जहाँ इनके लोग मार पीट रहे हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा है। आई बाद में इन्हें को राज्यपाल बना दिया जाएगा, चुनाव आयुक्त का नाम लिख लीजिए, यही बाद में राज्यपाल होंगे अगर इनकी सरकार बनी तो। ये प्रमुख सचिव थे, इनको प्रमोशन दे के दो अधिकारी बी आर एस लेके चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी औरत डीजी हैं जो कानपुर से कि वहाँ से लड़ रही हैं, लखनऊ से उनकी औरत डीजी हैं और वो बीआरएस लेके लड़ रहे हैं। बताइए क्या बात है? सलंदर सिंह थे, 2012 में चुनाव लड़े थे बेचारे, एक पीसीएस अधिकारी थे, चंदौली से चुनाव लड़े थे बेचारे, यही मुख्तार अंसारी का मैटर लेके जो 147 बरामद कराया था, उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दिया मुलायम सिंह यादव ने, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मतलब बेचारा, मतलब नौकरी जो बोल रहे हैं कि आज को बीआरएस लेके नौकरी हुआ है, भाई ईमानदारी जो नेता है उनसे कहाँ से प्रभावित होंगे? भाई कोई को नौकरी आज बोले कि रोजगार नहीं है, नौकरी रहे, और जिसको नौकरी मिल रहा है वो नौकरी से बीआरएस लेके इलेक्शन लड़ रहा है, तो कोई तो मतलब होगा ना सरकार के अंदर। तो आप ये चर्चा तो बहुत लंबी चलती रहेगी, बहुत लंबी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट वो बोलेंगे, लेकिन आप खुद तय कीजिए कि इस बार बनारस में क्या माहौल रहने वाला है। और जिस तरीके से हमने बातें की तो यहाँ बनारस में भी माहौल काफ़ी तगड़ा लग रहा है, और लोग चाह रहे हैं कि बनारस से टक्कर की फाइट होगी।